मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहा है समाज, अभी भी उसकी जय जयकार कर रहे हैं सूरजपाल की। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, भोले बाबा, क्या उसका प्रोपेगेंडा रहा? क्या उसने दिमाग चलाया इस पाखंड में, इतनी बड़ी दुकान बनाने में, पाखंड की दुकान खड़ी करने में क्या दिमाग चलाया कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार हो और महिलाएं भी यही अलाप रखती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार हो। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा है और इसीलिए पब्लिक आज अंधी है, पागल है, खासतौर पर मानसिक गुलामी के जो ग्रस्त है वह महिलाएं अभी भी इसका गुणगान कर रही है, गले में इसका लॉकेट पहना हुआ है और उसके अलावा घरों में तस्वीरें लगाई हुई है। यानी वही दौर है जो कि राम रहीम का व आसाराम का दौर था। घरों में उनकी तस्वीरें मिलती थी, गले में लॉकेट मिलते थे और उनको अपना पिताजी बोलती थी महिलाएं और पुरुष भी कि हमारे पिताजी हैं राम रहीम। और ऐसे ही आज दिमाग से निकलने को तैयार नहीं है सूरजपाल भी उन मानसिक गुलामों के, क्योंकि दिमाग की नसबंदी कर दी गई है सूरजपाल के द्वारा। इसलिए महिलाएं आज अशिक्षित महिलाएं जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को भूलकर इसका ही गुणगान करने में लगी है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। हाथरस भगदड़ कांड, नारायण साकार हरि, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है और यहां तक कि उसको फर्जी बाबा घोषित करने का भी ऐलान किया है कि इसी महीने के लास्ट हफ्ते तक जो महाकुंभ होगा उससे पहले ही एक बड़ी महापंचायत की जाएगी और उसके जैसे और भी तमाम जितने भी बाबा हैं जो इस तरीके का आयोजन करते हैं फर्जी तरीके से, और उनको फर्जी बताया जाएगा, उनको फर्जी घोषित किया जाएगा, ऐसा अखाड़े का एक ऐलान किया गया। और इसके हम भी पक्षधर हैं क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ और वह बाबा अभी तक भी फरार है, सरकार क्यों उसको अभी तक बचाने में लगी हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे बाबा पकड़े गए और उनमें से कुछ जेल के अंदर भी हैं, लेकिन फिर भी इस पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाता है। यदि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर एक वीरेंद्र देव दीक्षित जो कि पिछले दिनों सुर्खियों में आया था, उसने वहाँ पर एक अपना आध्यात्मिक डेरा बना रखा था, आध्यात्मिक केंद्र बना रखा है और वहाँ पर वह महिलाओं की नगर परेड कराता था और उनको अपना लिंग चुमवाता था। और इस पर ताज्जुब की बात यह है कि महिलाएं अंधविश्वास में पाखंड में आ जाती थी और ऐसा करती थी, अपने आप को शिव का अवतार बताकर वीरेंद्र देव दीक्षित महिलाओं से अपने लिंग की पूजा कराता था। और उसके बाद जब उसका भंडा फूटा, पता चला कि वह महिलाओं की नग्न परेड कराता है, सुर्खियों में आया, तो उसके बाद उसको सीधा जेल करा दिया गया। राम रहीम, आसाराम, रामपाल, ना जाने कितने बाबाओं पर अभी तक रेड पड़ चुकी है इन्हीं मामलों में। और उसके बाद एक कंबल वाला बाबा भी काफी फेमस हो रहा है, कंबल के अंदर महिलाओं को अंदर ले लेता है, काला कंबल लेकर, उसका आप फोटो देख सकते हैं, काले कंबल में महिलाओं को अंदर ले लेता है और उसके बाद उनको ठीक करने का दावा करता है कि मैंने उनको ठीक कर दिया। पता नहीं उस कंबल में क्या ऐसी शक्ति है, क्या करता है, लेकिन जब उसका भंडा फूटेगा कभी तो वही महिलाएं कहेंगी कि हमारे साथ बाबा ने गलत किया है, बाबा ने हमारे साथ छेड़छाड़ की है, बाबा ने हमारे साथ गंदा काम किया है। लेकिन उससे पहले यदि इनके ऊपर शिकंजा कस दिया जाए, सरकार एक बड़ा निर्णय ले, एक कोई कठोर कानून बनाए, तो वह नौबत नहीं आएगी। घर उजड़ जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है जब महिलाओं को अकल आती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। अभी भी यहाँ पर पाखंड इसलिए जड़ जमाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, खासतौर पर महिलाओं में। एक बाबा और पकड़ा गया था जो कि बच्ची को पास कराने के नाम पर घर पर आया था और घर पर आने के बाद बच्ची को रोजाना उसके साथ उत्पीड़न करता था, गंदा काम करता था, कहता था कि इस बच्ची को IAS बनाऊंगा, इसकी तैयारी कराऊंगा। और घर वाले भी उसके इसी तरीके से बाबा के चपेट में आ गए थे, किसी ने बताया था,
वह भी आपको नेट पर मिल जाएगा। और उसके अलावा एक मिर्ची वाला बाबा, एक चुंबन वाला बाबा, बहुत सारे बाबा नेट पर मिल जाएंगे। लेकिन सरकार अभी तक भी इनके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। और इस पर आपका क्या कहना है, क्या इस पर होना चाहिए, कमेंट्स में जरूर लिखें। और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। विज्ञानवादी बने, सतर्क बने और विचारवादी बने। धन्यवाद।